हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे हाथ में है सैमसंग का A20। तो इसको हम बहुत ही इजीली FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, इसे हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ किए बिना हम इसे अनलॉक करेंगे FRP। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ़ोन को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं आप, फ़ोन हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं, और देख लेते हैं इसका प्रोसेस, इसे हम कैसे बहुत ही इजीली FRP अनलॉक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है, FRP लॉक लगा हुआ है। तो चलिए कीपैड का सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे हम स्वाइप टच एंड फीडबैक को टच कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टच एंड फीडबैक को टच कर लेते हैं एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पे टच कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिंगटोन का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस पर टच कर लेते हैं और C1 पे टच कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस पे टच कर लेते हैं, यहाँ पे हम अलाउ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है, इसमें हम टच करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पिन लॉक सिम को हमें इंसर्ट कर लेना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा पूरा स्किप किए बिना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिम को इंसर्ट करेंगे और माइक का जो ऑप्शन है इसमें हम कंटिन्यूसली टच करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आप भी टच करते रहिएगा। बस अब लाइट ऑफ होने के बाद ये देख सकते हैं अब पिन लॉक सिम है। अब नॉर्मली हमें पिन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम एंड लॉक का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम एंड डेट को हमें स्वाइप साइड कर लेना है और लॉक को हमें नीचे खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेटिंग्स को टच करते रहना है थोड़े टाइम के लिए। तो अब हमें मीडिया जो ऑप्शन है, मीडिया पे टच कर लेना है। तो चलिए मीडिया पे टच कर लेते हैं। वीडियो को दोस्तों स्किप किए बिना जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमें डन पे टच कर लेना है, और यहाँ पे हमें अलाउ व्हाइल यूजिंग दिस ऐप को पे टच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें जो स्पाइन का सिंबल मिल रहा है, इसमें टच करके यहाँ पे एग्री टू ऑल कर लेना है, और यहाँ पे अपडेट पे टच कर लेना है। तो अब हमें बैक कर लेना है। बैक करके फिर से हमें फर्स्ट स्क्रीन, जैसे कि ये ऑलरेडी बैक हो चुका है, तो सॉरी नेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे टच कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से कीपैड का सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं, की टैप एंड टच एंड फीडबैक एंड साउंड एंड वाइब्रेशन, और यहाँ पे C1 पे टच कर लेते हैं, और प्लस पे यहाँ पे सर्च पे टच कर लेते हैं, और फिर से हम सिम को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए फिर से हम सिम को इंसर्ट करते हैं और माइक को टच कर लेते हैं पहले। तो फिर से हमें सिम को निकाल लेना है। तो चलिए सिम को निकाल लेते हैं। ओके कर लेते हैं यहाँ पे, और सेम पहले बार की तरह टाइम एंड डेट को स्वाइप साइड एंड को लॉक को नीचे खींच लेना है, और सेटिंग्स का ऑप्शन जो है उसे थोड़ा सा टच कर लेना है दो चार बार, और मीडिया पे टच कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से वो स्पाइन का जो सिंबल दिखाई दे रहा है उसको टच कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप स्टोर खुल चुका है, जो सैमसंग का खुद का ऐप स्टोर है। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है क्विक शॉर्टकट मेकर को। अगर आप ब्राउज़र से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा,
इसलिए हमें यहाँ से करना पड़ेगा। तो क्विक सर्किट मेकर को डाउनलोड कर लेते हैं। और दोस्तों पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आगे का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा वीडियो का अंत तक, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा और बाद में बोलिएगा कि नहीं हो रहा है। इसलिए वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें। तो चलिए इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 लेटेस्ट जो है इसका बहुत सिक्योरिटी टाइट है, इससे आप तो चलिए अब हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे स्क्रीन पे टच कर लीजिए और सेटिंग्स टाइप कर लीजिए। तो स्क्रॉल डाउन करके हम सेटिंग्स को निकाल लेते हैं। तो ये रहा सेटिंग्स, टच कर लेते हैं और यहाँ पे भी टच कर लेते हैं और स्क्रीन के एक बार टच करके ट्राई कर लेते हैं। तो सेटिंग्स हमारा ओपन हो चुका है। तो चलिए बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में चलते हैं, अगर अदर सेटिंग्स सिक्योरिटी। और यहाँ पे हमें अगर पिन विंडो को ओपन करने का कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम कैसे कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये एकदम नया ट्रिक है। तो ऐसे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा लेकिन इस तरह से नहीं मिल पाएगा आपको। तो यहाँ पे सिक्योर फोल्डर पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो सैमसंग का ऐप स्टोर का अकाउंट है उसे डालना है। तो चलिए सैमसंग का अकाउंट डाल लेते हैं। आप भी एक सैमसंग का अकाउंट बना के रखें क्योंकि आगे आपको ये काम आने वाला है। यहाँ पे हम एग्री टू ऑल कर लेते हैं। तो ये जो है ये कभी कभी आता है वेरिफिकेशन के लिए, जो आपने जो सैमसंग का अकाउंट बनाया हुआ है, जिस फ़ोन नंबर आपने ऐड किया है उससे वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। अभी आपके फ़ोन में एक कोड जाएगा, उससे आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसा कि मेरा आ चुका है, 2-4 सेकंड टाइम लेता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंसिल पे टच कर देना है और थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। वीडियो को स्किप किए बिना जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन काम का है, ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए पिन पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पिन सेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर लेते हैं। कंटिन्यू करके फिर से हमें एक बार देना है तो दे देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब जो मेन काम है हमें करना है, यहाँ पे आपको ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, तो 3 डॉट पे टच कर लेते हैं। तो 3 डॉट पे टच कर लेते हैं और सेटिंग्स का ऑप्शन में टच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक टाइप में टच कर लेते हैं। तो हमने जो अभी अभी पिन सेट किया है 1 2 3 4 यहाँ पे डाल देना है, 1 2 3 4 डाल देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, या डन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट पे टच कर लेना है, तो चलिए फिंगरप्रिंट पे टच कर लेते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है और पिन पे टच कर लेना है। तो यहाँ पे वही पिन डाल देना है, 1 2 3 4, कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू पे टच कर लेना है और यहाँ पे फिर से वही पिन डालना है, फिर ओके कर देना है।
और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स मिलेगा, मोर सेटिंग्स में टच कर लेते हैं और यहाँ पे अनइंस्टॉल पे टच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल जो सेटअप है सेटअप कर लेना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें वही पिन डालना है जो हमने सेट किया है अभी अभी 1 2 3 4, और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्किप का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अंत तक देख लेते हैं इसमें और क्या करना है। तो देख सकते हैं आप फ़ोन हमारा कंप्लीट खुल चुका है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं ये कौन सा वर्जन है, कौन सा मॉडल है, और इसका हम OEM अब अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं, आपको हम दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 10 वर्जन है 2.0। तो वो ये देखिए डेवलपर ऑप्शन को भी हम अब चालू कर सकते हैं, हमने जो पिन सेट किया है उसके माध्यम से। तो चलिए OEM को भी अनलॉक कर लेते हैं और सेट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि नहीं देख लेते हैं, या तो आप पिन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।